अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। पहले मैंने आपको सिखाई थी पुदीने और धनिया की चटनी, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक उसमें भेज दूँगी। और आज हम इमली की चटनी बनाने जा रहे हैं। तकरीबन मैंने इमली ली है 1 पाव, और इसके लिए जो मसाले चाहिए हमें वो देखें आपको मैं बताती हूँ। धड़ा मिर्च 1 टीस्पून लिया है हमने, इसके साथ हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और नमक भी हमने 1 टीस्पून ही लिया है। तकरीबन सब क्वांटिटी हमारी ये मसालों की एक ही है। इसके अलावा जो हमने चीनी ली है वो देखिए आपको इसमें खट्टी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसको थोड़ी सी मिठास लाने के लिए, मीठी करने के लिए हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है शक्कर भी डाल सकते हैं, तो हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी तकरीबन हमने ली है 1.5 टेबल स्पून ली है। सबसे पहले जो है इसका मरहला है इमली का, वो हमने क्या करना है, एक बाउल में इमली को डाल के तो उसमें पानी में हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको डिप करके रख देना है। इसको फिर ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए, फिर हम मिलते हैं। ओके, देखें अब हमने जो इमली भिगो के रखी थी तकरीबन आधा घंटा हमने इसको भिगो के रखा है, ये हो चुकी है। अब हम इसको अगला जो तरीका है वो बताएंगे आपको कैसे करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका सारा गूदा जो है वो गुठलियों से अलग हो जाएगा बीजों से। ये देखिए सारे इसके जो बीज हैं हमने अलग से कर लेने हैं, मसलना है इसको अच्छे तरीके से। बहुत मज़े की चटनी बनती है ये। देखें गुठलियाँ जो है ना इनको हमने अलग कर लेना है। ये देखें तकरीबन हमारा सारी अलग हो चुकी हैं गुठलियाँ। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे अच्छे तरीके से, और सारी जो गुठलियाँ हैं वो हम इसको अलग कर लेंगे। इसका जो गूदा है उसको भी हम अलग करेंगे छलनी से छान के। अब हम सारा इसमें उंडेल देंगे। एक खुला बर्तन आपने लेना है, नीचे परात ली है मैंने। अब आप इसके अंदर बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालें। इसके साथ जो लगा होता है बर्फ वो भी उतर जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा बर्फ निकल रहा है। अच्छे तरीके से हमने इसको मैश करना है। ये देखिए सारा कचरा जो है वो अलग हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि जो बीजों के साथ लगा हुआ है वो भी उतर जाए। इनको आप अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके आप निचोड़ लें ताकि जितना बल्ब है वो उतर जाए। इमली का पता है आपको सबको ही पसंद होती है। अगर आप कच्ची खाएंगे तो आपका गला ख़राब होने का खतरा होता है। आप इसको पका के करें यूज़, कभी भी आपका गला जो है वो ख़राब नहीं होगा और हाजमा भी आपका बिल्कुल सेट रहेगा। नीचे देखिए आप सारा पर्क निकल चुका है। मज़ीद हम इसमें से निकाल रहे हैं। ओके, देखिए ये हमारा सारा जो है पर्क निकल आया है। अब ये इसको हम पकाएंगे। ओके जी, अब हम रेडी करने लगे हैं इसको
जो कल हमने निकाला था इसका, इसको डेगची में डाल देंगे। अब तकरीबन जो हमने मसाले लिए थे, आपको मैंने बताया था तमाम तकरीबन 5 मसाले थे जो इसमें डलेंगे, वो भी हम ऐड कर देंगे। और इसको पकने के लिए हम छोड़ेंगे, तकरीबन दरमियानी आंच पे ये पकती रहेगी। चीनी अभी हमने ऐड नहीं की, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब ऐड करनी है। इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ओके, देखें, ये देखें आप, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हम दरमियानी आंच पर पकाते रहेंगे, हल्का हल्का चम्मच भी चलाते रहेंगे। ओके, देखें, ये हमारी तकरीबन उबलना शुरू हो गई है। और इसको हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना, थिक हो जाएगी। तो फिर हम बताऊँगे कि कितनी आपने रखनी है। अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी। ओके, देखें, ये अब हमारी तकरीबन जो है आधी चटनी तैयार हो चुकी है, पक्के इतनी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट में चीनी ऐड कर देंगे जो हमने 1.5 टेबलस्पून रखी थी। इसके आखिर में डालने का मकसद ये होता है कि आप चीनी एंड पे डालें ताकि देगची के साथ जो है वो लगे ना ना। अगर चीनी शुरू में ही ऐड कर देंगे तो वो फिर लगना शुरू हो जाएगी, इमली की चटनी ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। एंड में ऐड करते हैं। अब तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओके जी, माशाल्लाह हमारी इमली जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आपको इतनी सी थिकनेस हमारी जब हो जाए तो आप हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ओके, हम इसको हम डिश आउट करते हैं। ओके, इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओके, हमारी ये इमली जो है रेडी हो चुकी है। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आप फिंगर चिप्स के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ। और मज़ेदार बात बताऊं आपको, आप पराठे के साथ सुबह ट्राई करें तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और आपका पराठा भी ऐसे हज़म हो जाएगा जैसे खाया ही नहीं। इतना मज़े का बनेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि हमने सारा ही चट कर दिया। अल्लाह हाफिज़।